ये अहिल्यानंदन श्री सतानंद जी हैं, तुम दोनों बंधु मिलकर के इन्हें प्रणाम करो। हे नाथ, हम दोनों भाइयों का प्रणाम स्वीकार करें। नाथ करता करे न कर सके, गुरु किए सब हो सा। Yeah.
आशीर्वाद चाहते हो। अरे आप मेरे सामने हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? हाथ तो मुझे जोड़ना चाहिए। आप मुझे क्यों प्रणाम कर रहे हैं? प्रणाम तो मुझे आपको करना चाहिए। आप मेरी वंदना क्यों कर रहे हैं? वंदना तो मुझे आपकी करनी चाहिए, क्योंकि कुछ समय पूर्व आपके श्री चरणों की रज से मेरी माँ अहिल्या का उद्धार हुआ था। और श्री राम जी लक्ष्मण जी के चरणों में आप हैं। सत्यम भाई और फिर अक्कू भैया कपिल करनी चाहिए, क्योंकि आप के चरणों की रस्सी मेरी माँ का उद्धार हुआ तो आप मेरी माँ के लिए पूजनीय हो गए। जब आप मेरी माँ के लिए पूजनीय हो गए तो सतानंद के लिए तो आप परम पूजनीय हो गए। अपने प्रणाम की आशीर्वाद चाहते हो। दिया उसे जाता है जिसको जरूरत होती है, दिया उसे जाता है जिसको आवश्यकता होती है, और जिसको आवश्यकता ही नहीं, जिसको सारे जिसको जो सारे संसार को देता है, भला उसे कौन क्या दे सकता है? भिखारी सारी दुनिया और दाता एक राम, फिर मैं आपको क्या दे सकता हूँ? लेकिन आपने प्रणाम किया, आपने अपना धर्म निभाया, क्योंकि आप क्षत्रिय हैं, यही तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। आपने अपनी मर्यादा का पालन करते हुए आपने क्षत्रित धर्म निभा करके हमें प्रणाम किया। मैं ब्राह्मण हूँ, तो ब्राह्मण होने के नाते मैं आपको आशीर्वाद देने का हक मुझ में नहीं है, लेकिन कामना जरूर कर सकता हूँ। प्यासे अधर सशक्त अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे। प्यासे अधर सशक्त अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे। ये देख रहे हो जीव धरा के कितनी तुमसे आस लगाए, पलक पावले बिछा रहे हैं निज नैनों में सपने सजाए। पाकर तुमको ये सब हुए सार्थक, यही मेरे वरदान कहेंगे। प्यासे अधर से सकते अंतस राम तुम्हें भगवान कहेंगे। लक्ष्मण तुम प्यासे जन की प्यास बुझाना, तुम प्यासे जन की प्यास बुझाना, गुण अपनाना दोष भुलाना, और जो तोड़े इन कोमल कलियों को उन सूलों पर तुम बच गिराना। भैया की सेवा तुम करते रहना, यही मेरे जपदान कहेंगे। प्यासे अधर से सकते अंतस लखन तुम्हें भगवान कहेंगे, राम तुम्हें भगवान कहेंगे। महामुनि अब मैं चल रहा हूं, आप मिथिला की ओर पधारे। सतानंद पद बंदी प्रभु बैठे गुरु पही जाय, चलहु तात मुनि कहियो तब पठवा जनक बुलाई। राम सतानंद जी महाराज जनक की विनय को लेकर के हमारे पास में आए थे। हमें उस रंगशाला की ओर चलना है, क्योंकि आज उस यज्ञ के साथ साथ एक स्वयंवर है सीता का, जिस पर वेदी पर भगवान शंकर के आयुध को स्थापित करवाया गया है। आज चलकर के देखना है कि आज राजा जनक का जयमाता कौन बनेगा। सी स्वयंवर देखी जाई इस कायधा देई बड़ाई, ईश्वर किसे बड़ाई का पात्र बनाता है, हमें चलकर के यह देखना है। लखन कहा जसे भाजन सोई नतवा, तब जबर हुई है मुझ उस मैथिली प्रयुक्त में यश का पात्र वही बनेगा जिस पर आपकी कृपा होगी। नाथ कृपा तब जापर हुई अज तू चले पूछ। लक्ष्मण भैया की बाणी सुनकर के जितने मुनि साथ में हैं सब लक्ष्मण जी को आशीर्वाद दे रहे हैं। हर से मुनि सब सुन पर बानी, तीन आशीष सब ही सुख मानी, पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला अब देखन चले धनुष मत साला। अब यहाँ से धनुष यज्ञ देखने के लिए बाबा विश्वामित्र जी, राम जी, लक्ष्मण जी और 60,000 बाबा के शिष्य इतने लोग चल पड़े रंगभूमि की ओर। अब बाबा तुलसी ने एक चौपाई लिखी है, आप लोगों ने सुनी होगी। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन,
तैसी। अब आइए मिथिला में सब अच्छे अच्छे नहीं है, कुछ दुष्ट भी आ गए हैं।